खोराबार थाने के पुलिस ने टॉप 10 अपराधियों में शामिल प्रिंस पांडे को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। इस दौरान शातिर अपराधी प्रिंस को पैर में गोली भी लगी है, जिसके संबंध में एसपीसीटी सोनम कुमार ने बताया कि टॉप 10 अपराधियों तथा पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगाए गए प्रभारी निरीक्षक खोराबार तथा स्वाट टीम को आरटी सेट से सूचना मिली कि एक मोटरसाइकिल पर 3 बदमाश सहजनवा से कुशीनगर की तरफ भाग रहे हैं, जिसका पीछा प्रभारी निरीक्षक सहजनवा कर रहे हैं। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक खोराबार स्वाट टीम को साथ लेकर तत्काल फोरलेन फ्लाईओवर रामनगर करजहां के ऊपर गोरखपुर जाने वाले कट पर इंतजार करने लगे तथा स्वाट टीम को गोरखपुर देवरिया रोड पर फोरलेन से उतरने वाली सड़क के तिराहे पर बैरिकेटिंग लगाकर सतर्क रहने के लिए कहा गया। कुछ ही समय में हाईवे पर एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिसे रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह फोरलेन से उतरकर गोरखपुर जाने वाली सड़क पर भागने लगे। सामने स्वाट टीम को देखकर मोटरसाइकिल चालक तिराहे से बाएं अंडरपास की तरफ भागना चाहा कि बारिश होने के कारण गाड़ी फिसलकर गिर गई, जिसके बाद तीनों बदमाश पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगे। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लग गई तथा 2 बदमाश रात्रि का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए। घायल बदमाश ने अपना नाम प्रिंस पांडे उर्फ प्रतीक पांडे, पुत्र ओम प्रकाश पांडे, निवासी डोहरिया कला थाना सहजनवा बताया। पुलिस के द्वारा जब इसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक नाजायज 9 mm पिस्टल, एक मैगजीन, जिंदा कारतूस बरामद हुआ। भागे हुए 2 व्यक्तियों के बारे में अभियुक्त ने बताया कि एक अरविंद यादव व दूसरा शिवप्रताप यादव था, जो फरार हो गए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपीसीटी सोनम कुमार ने बताया। आज दिनांक 15/6/2021 को इंस्पेक्टर सहजनवा को जरिए मुखबिर यह सूचना मिली कि सहजनवा से वांछित प्रतीक उर्फ प्रिंस पांडे, जिसपे लगभग 2 दर्जन मुकदमे हैं, वो सहजनवा से खोराबार की तरफ जा रहा है। वो उनका पीछा करते हुए जब इधर आ रहे थे और क्राइम ब्रांच और इंस्पेक्टर खोराबार ने रामनगर कर जहाँ पर घेराबंदी करके जब इनको रोकने का प्रयास किया, तो ये और इसके 2 साथी ने पुलिस पर जान लेने के नीयत से फायर किया। जवाबी कार्रवाई में एक गोली इसके पैर में लगी, इसको अस्पताल ले जाके इसका इलाज कराया जा रहा है। घटनास्थल से एक 9 mm की पिस्टल और एक मोटरसाइकिल CD डिलक्स बरामद की गई है। कॉम्बिंग ऑपरेशन करके इसके बाकी जो अपराधी जो फरार हुए हैं उनको ढूंढा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।